मंत्री जी, उड़ीसा हैज़ गॉट बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट अर्बन बॉडी और बेस्ट स्कूल कॉलेज, और ये असेसमेंट पिछले 8 महीने से चल रहा था, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? असेसमेंट का जो चलता है उसके लिए तो अलग बॉडी काम करती है असेसमेंट करने के लिए, जो जूरी है और उनको सब निकलाती है जब वो उसके ऊपर तय करते हैं। मगर जिन्होंने काम किया सभी लोगों ने और पार्टिसिपेट किया, उन्होंने काम किया होगा उनको विश्वास होगा इसके लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो एक अच्छी बात है कि कोई पानी के लिए काम भी करे और पार्टिसिपेट करके अपना विश्वास भी जताए और बाकी लोगों को प्रेरित भी करे। तो जूरी और क्योंकि उड़ीसा वाटर स्टार्व्ड स्टेट बहुत जल्द, कुछ बहुत लेट नहीं था, अब टिल वेरी रिसेंटली ओडिशा वाज ए वाटर स्टार्व स्टेट, पार्ट्स ऑफ इट। उड़ीसा ने बढ़िया काम किया है। उड़ीसा का जो जो सारे राज्य के, ये मैं बताती हूँ, 53,000 उन्होंने वाटर कंजर्वेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और 10,800 रीयूज और रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। 11,000 इन्होंने ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रेनोवेट किया है। 68,700 वॉटरशेड डेवलपमेंट और 21,000 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हैं। उड़ीसा का रिकॉर्ड इन कंप्लीटिंग स्टाफ प्रोजेक्ट्स हैज बीन वेरी गुड इवन अंडर पीएम केस पर। ऊपर से उन्होंने माइक्रो इरीगेशन में अच्छा काम किया है और इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन में भी बढ़िया काम किया है। इन्होंने 1800 किलोमीटर का ड्रेनेज चैनल को रिट्रीव किया है ताकि करीब 40,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड वाटर लॉगिंग से बचे। तो ये जो बहुआयामी इन्होंने काम किया और ये टीम ने काम किया है, इट्स मतलब पिछले साल का हमको जो रिपोर्ट मिला है और जिसके सत्यापन भी किया गया उसमें उड़ीसा ने बढ़िया काम किया है। सिमिलरली जो सेकेंड स्टेट है उत्तर प्रदेश, उनके भी कई अचीवमेंट्स हैं, गुजरात के कई अचीवमेंट्स हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहलुओं में बढ़िया काम किया।